इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या खास बात है? आलू अर्जुन अच्छे है। नहीं, आलू अर्जुन बस बस द बेस्ट। सिर्फ एक नाम काफी है, बहुत काफी है। और श्रीवल्ली जैसा वाइफ चाहिए आपको? यस। आप शादी पीछे कर दारू का बोतल आ गया ना। कभी पिक्चर देखने नहीं आती थी, ये फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत अच्छी थी। बॉलीवुड खत्म हो गया है सर, कुछ नहीं बनाते बॉलीवुड वाले। फैमिली बैकग्राउंड दिखाते, वो देखने में एक इंटरेस्टिंग रहता है। प्लस जो कॉमेडी प्लस फैमिली वैल्यू सब जो मिक्स हुआ है ना, वो देखने में इंटरेस्टिंग रहता है, जो आज के डेट में बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं है। कैसे लगी पिक्चर? मस्त लगी, एकदम मस्त। बढ़िया, पैसा वसूल हो गया कि नहीं? पैसा वसूल हो गया, एकदम मजा। पुष्पा झुकेगा नहीं? नहीं। सर कैसे लगी? अभी मैं 8 बजे का लिया हूँ, वैसे तो पिक्चर अच्छी है। ओके, बोल रहे हैं। चलिए, कैसे लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पैसा वसूल पूरा पूरा। क्या अलग था पिक्चर में? पिक्चर में सॉरी, फिल्म में क्या अलग था? अलग था मतलब उस जो एक्शन सर और बेस्ट है, बेस्ट, बहुत अच्छी मूवी है, सब लोग जाके देखो। आपको कैसी लगी? ऑसम। कैसी लगी मैम फिल्म? बहुत अच्छी थी। बहुत इम्प्रेस हो गई हैं आप लगता है फिल्म से? नहीं, अच्छी मूवी थी इसलिए पसंद आया। हाँ। कैसी लगी आंटी? सुपर पिक्चर। सुपर कैसी लगी? कैसी लगी? नंबर पिक्चर है। हाँ, क्या बोले? अर्जुन नंबर वन है। कैसी लगी आप लोग को? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पुष्पा झुकेगा नहीं? नहीं नहीं, झुकेगा नहीं साला कभी भी। कैसी लगी सर? बहुत बढ़िया। आपको? बहुत फाइन। फिल्म कैसी लगी? फिल्म एकदम अच्छी है। क्या अलग है बताइए फिल्म में आपको? अलग क्या लगा है? ऐसा कुछ एक्साइटमेंट आया फिल्म देखकर? बहुत एक्साइटमेंट आया, एक्शंस बहुत अच्छा है, और जो रोल प्ले किया है फाइटिंग अच्छा है, और जो थ्रिलिंग है वो भी बहुत अच्छा। मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा। पुष्पा झुकेगा नहीं? झुकेगा नहीं। कैसी लगी? आलू अर्जुन पुष्पा द बेस्ट। यू लव आलू अर्जुन परफॉर्मेंस? यस। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं? कभी झुकेगा नहीं, और झुकना भी नहीं चाहिए। क्या अलग है फिल्म में जो आपको बहुत पसंद आया? आलू अर्जुन एवरीवेयर न्यू एवरी टाइम न्यू। उन्होंने इंप्रेस कर दिया। क्या कहेंगे, सदर्न इंडिया के सुपरस्टार है आलू अर्जुन? Yes. हिंदी में तहलका मचा रहे हैं क्या? Yes. कहेंगे क्या? हिंदी में फिल्में बनती है लेकिन सदर्न इंडिया की फिल्म है जो तहलका कर रही है, इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या खास बात है? आलू अर्जुन। नहीं, आलू अर्जुन बस बस द बेस्ट। सिर्फ एक नाम काफी है, बहुत काफी है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, एंजॉयड इट। ऐसा कोई आप ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ लगता है? उनको मूवीज पसंद नहीं है। मुझे तो आप आई एम द फैन ऑफ आलू अर्जुन। आप सिनेमा की दीवानी है? यस। अच्छा, ये बताइए, पुष्पा जो है शिवल्ली के लिए पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, वो सीन कैसा था? बहुत खूबसूरत। मैं भी सोचती हूँ मेरा भी हस्बैंड ऐसा हो। आप मैम के लिए सिस्टम चेंज करेंगे? नहीं, पोपट है वो, पोपट। मैं बोलती हूँ नहीं है, लेकिन ऐसा चाहिए। क्या बात है। Yes. ऐसा होगा बिल्कुल। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छी थी। मैं कभी पिक्चर देखने नहीं आती थी, ये फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत अच्छी थी, बहुत। इसमें क्या खास बात आपको अलग लगी है जो मतलब चलो आज पिक्चर देखने आई अलग लगा है? जो नाव से लेके जाते वो एक बेस्ट शॉट लगा मुझे, और जो जब काली माता बनते वो एक शॉट अच्छा लगा। ओके, तो यानी पूरी तरह से फुल मासी एंटरटेनर आप, मजा आ गया ऐसा लगा आपको? तीन साढ़े तीन घंटे, दो से तीन बार चार बार भी देख सकते हैं। मेरा तो सेकंड टाइम है भाई, साढ़े तीन घंटे तो मालूम ही नहीं पड़ा। तीसरा टाइम, थर्ड टाइम, बार बार देख सकते हैं ऐसे, मतलब बोरिंग नहीं, मतलब बोरिंग नहीं है, थ्रिलिंग है, कितने बार भी देख सकते। और हटके रोल करना आलू अर्जुन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस्ट। ये बताइए, जो फिल्म के अंदर जो कहानी बताई गई है, फैमिली वैल्यूज को ध्यान में रखा गया है, वो कैसा था कहानी? वो भी बहुत अच्छा था। देखो उनको मतलब वो इतने स्ट्रांग होने के बावजूद वो फैमिली की वजह से झुक जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, और होना चाहिए, जो सोचे थे वो भी उनको हो गया है। तो आप फीलिंग्स देखे रहेंगे, वो किसी चीज़ में भी नहीं रोए, पर कहीं परिवार का जब मामला आता है तो वहीं वो झुके, जैसे जिस बार बोले हम झुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं, तो इससे मालूम पड़ता है अपना परिवार की एकता कितना इम्पोर्टेंट है और परिवार कितनी ज़रूरी है। लास्टली ये बताइए हिंदी में भी फिल्में बन रही है, साउथ इंडिया की फिल्में क्यों पसंद आ रही है आपको? बॉलीवुड खत्म हो गया है सर, कुछ नहीं बनाते बॉलीवुड वाले।
सर साउथ इंडियन फिल्म इसके लिए पसंद आती है क्योंकि पहले उसमें साउथ इंडियन का जो कल्चर है वो भी दिखाते हैं, प्लस एक्शंस रहता है, प्लस जो फैमिली बैकग्राउंड दिखाते हैं वो देखने में एक इंटरेस्टिंग रहता है, प्लस जो कॉमेडी प्लस फैमिली वैल्यू सब जो मिक्स हुआ है ना वो देखने में इंटरेस्टिंग रहता है, जो आज के डेट में बॉलीवुड फिल्म्स में नहीं है। सिर्फ डांस और वो कोई स्टोरी ऐसा कुछ रहता नहीं है, इसलिए आज के डेट में सभी लोग साउथ इंडियन फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं। लास्टली कितने स्टार पांच में से? पांच पूरा पूरे पांच रेटिंग पूछना ही गलत है। एक बार ट्रेल खाली देख लो, रेटिंग अपने आप मिल जाएगा, उसमें ही बड़ी बात है। और श्रीवल्ली जैसा वाइफ चाहिए आपको? यस, आप शादी पीछे कर दारू का बोतल आ गया ना। अरे वाह भाई लोग, कैसी लगी पिक्चर? वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। हिल गए आप? नहीं हिला तो नहीं। एंड आई सजेस्ट के दो महीना वेट करो, OTT पे देख लेना। आपको मजा नहीं आया? नहीं, अच्छा था। आमिर खान ने का काम किया जबरदस्त, मजा आ गया। आमिर खान नहीं था उसमें, लगता है वो सो गया। पुष्पा कैसी लगी आपको? अमेजिंग अमेजिंग मैन, कांट वेट फॉर द थर्ड वन मैम। इट वाज वेरी नाइस मूवी, नथिंग एल्स। आप स्पीचलेस तो नहीं हो गई आपको फिल्म देखकर? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? डेफिनेटली इट वाज वेरी नाइस। एंड वी आर वेटिंग फॉर थर्ड पार्ट। क्या अलग था सर फिल्म में? हॉनेस्टली आई एम स्टिल कन्फ्यूज। द लास्ट में जो बॉम्ब फटा था वो किसने फोड़ा है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो हु इज दैट पर्सन। अच्छा, जैसा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ वैसा ही आप यहाँ पर हुक्ड हो गए हैं थर्ड पार्ट के लिए। यू कैन से दैट, यस दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, काइंड ऑफ वेरी सिमिलर लाइक दैट। आई एम थिंकिंग टू वॉच वन मोर टाइम अगेन, मे बी टू नाइट आई विल कम बैक अगेन एंड वॉच वन मोर टाइम। And how often do you watch Southern cinema? Honestly, the last one I watched it was Bhool Bhulaiya 3, and then after that, this, that's it. Okay, and you like this? Yeah. What's nice. Your comment about Allu Arjun? Allu Arjun, all-time favorite, man. It's all-time favorite. Whatever movie you watch, even the old ones of the South, is amazing. All of his movies are fabulous, fabulous. No complaints, all of them, anytime. Okay. Thank you, man. Thank you. You have a chance. Sir! क्या कहेंगे, पुष्पा कैसी लगी आपको? सर एकदम मस्त लगी, एकदम अच्छी लगी, एकदम बहुत अच्छा रिव्यू भी है, बहुत मतलब बहुत पसंद आया मूवी देख के। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा एकदम। आईमैक्स में देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब फर्स्ट टाइम है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, मेरे वाइफ को भी फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत अच्छा मज़ा आया लेकिन। अच्छा, फिल्म को रिलीज हुए सर 4-5 दिन हो गया है, इतना लेट आप देख रहे हैं क्यों? तो टाइम बच्चों को छोड़ के आया, अभी बच्चों को भी जाके पिकअप कर रहे हैं सर। चलिए ऐसी बात है, क्या अलग है इस फिल्म में जो पसंद आ रही है आपको? इंटरेस्टिंग है, पावर है, जो एनर्जी है और जो मज़ा है मूवी में, एक लव और फाइटिंग है, बहुत कुछ है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं? नहीं झुकेगा। पार्ट 3 भी आ सकती है? पार्ट 3, राइट राइट, पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड है आप? यस। अल्लू अर्जुन कैसे लगे आपको यहाँ पर फिल्म में? बहुत अच्छे, फाइटिंग है, बहुत अच्छा लगा। और जिस हिसाब से पुष्पा जो है अपनी वाइफ के लिए सिस्टम चेंज कर देते हैं, हाँ, वो कैसा लगा आपको? एक नंबर। आप चाहती है कि आपकी भी हस्बैंड सिस्टम चेंज कर दे? हर लड़के को ऐसे ही लगेगा। सिस्टम चेंज करेंगे सर आप? एनी टाइम। चलिए, कितने स्टार पांच में से? 5 स्टार। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? इट वॉज अमेजिंग, गुड गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस, पैसा वसूल हो गया? यस यस, फॉर श्योर, फॉर श्योर। आईमैक्स 2D में जो देखने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? सुपर्ब, अमेजिंग। हम लोग ने वो रिक्लाइनर सीट बुक किया था, सो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी गुड, वी रियली एंजॉयड, आवर मनी वॉज वेरी वर्थ इट। सदर इंडिया के जो सुपरस्टार है हमारे अल्लू अर्जुन, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? अमेजिंग, उनका एक्शन जो सीक्वल था, जो माता रानी का उन्होंने रूप लिया था, दैट वॉज क्लियरली अमेजिंग। आई हैड गूज़बम्प्स व्हाइल वॉचिंग द। और कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा आपको दिल को टच कर गई होंगी? अलग अलग ड्रामेटिक था सेकंड पार्ट, बट बहुत अच्छा, जो थोड़ा इंडियन फेस्टिव और यू कैन से इंडियन का थोड़ा वो इंडियन नेच, या तो उन्होंने वो कुछ किया, सो या जो इंडिजिनस जो कंटेंट होता है उसको थोड़ा एम्फेसिस करके बताया गया है, इसीलिए आप ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और ये वजह है कि पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है? यस यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जो अल्लू अर्जुन का जो एक्शन है, एक्शन सीक्वेंस आपको पूरा थ्रू आउट द मूवी मिलेगा, एंड इवन रश्मिका मंदाना का पार्ट भी बहुत बहुत अच्छा है। और सेकेंड पार्ट जैसे एंडिंग में जो बोला कि लाइक 3 आने वाला है कमिंग, उसके लिए एक्साइटेड है आप? या या। और वो फहद फासिल कैसे लगे पिक्चर का विलन? या या, ही वाज डैम गुड। उनका जो कॉमिक टाइमिंग था वो भी बहुत अमेजिंग था। क्या लगता है ये हमारी
सदर्न इंडिया की जो फिल्में हैं इतना क्यों कमाल कर रही है? हम तो हिंदी में भी देखते हैं फिल्म, डोंट नो, बट रॉ हमें देखने मिल रहा है एंड बहुत अच्छा कंटेंट भी वो दे रहे हैं. लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा नया कुछ फ्रेश देख रहे हैं. सो कितने स्टार 5 में से? ऑफ कोर्स 5/5. थैंक यू. आपको कैसा लगा मैम फिल्म? अच्छा लगा कि नहीं ये बताओ. अच्छा लगा, मजा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था फिल्म देखने का. पैसा वसूल. अल्लू अर्जुन के बारे में कोई कमेंट? एक्टिंग बहुत अच्छा किया उन्होंने, बस अच्छा लगा. शिवल्ली? हाँ, उसने भी अच्छा था. चले बढ़िया है. पुष्पा झुकेगा नहीं? पुष्पा 2 एक्चुअली ज्यादा अच्छा था. कैसा लगा पिक्चर? बहुत बढ़िया लगा. तो अच्छा है पर कुछ सीन में उसकी एकदम थोड़ा अलग ही लेवल का दिखा. पिक्चर ठीक है ना? पिक्चर अच्छी है पर कोई कहानी नहीं है उसकी. बॉलीवुड से अलग है. जब उसका हाथ बांध देते, पैर बांध देते, फिर वो जो उड़ उड़ के काटता है ना, वो सीन एकदम अलग ही कर दिए मूवी से. बाकी मूवी अच्छी है, सब कुछ खास बुरा नहीं. मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है. पैसा वसूल है? पैसा वसूल है. मुझे बहुत मजा आया. आई लाइक द मूवी. नाइस. आईमैक्स में आपने देखा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? थिएटर इज नाइस. थिएटर इज नाइस एंड द मूवी स्ट्रेस्ड इट आउट अ बिट. सर एनी कमेंट अबाउट पुष्पा 2 जो आपने देखा? पिक्चर अच्छा किया हुआ है और शूटिंग वगैरह काम अच्छा है. काम अच्छा है, ड्रेसिंग वगैरह सब. हमारे साउथर्न इंडिया के सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में क्यों छा रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक्टिंग एकदम जबरदस्त किया है. वक्त निकाल कर आप आईमैक्स में देखने आए, आईमैक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वेरी नाइस. फर्स्ट अभी रिन्यूएशन के बाद पहली टाइम आया हूं. बहुत अच्छा. मजा आ गया आपको? कौन से चैनल का है? फिल्मी फीवर यूट्यूब चैनल सर. अच्छा. कितने स्टार 5 में से फिल्म को? कितने स्टार 5 में से? 5/4 देंगे. 4.5 देंगे आप सर? 4.5.